नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने फिर से ज्ञानवर्धक फैक्ट्स लेकर आया हूँ जिनके बारे में शायद ही आप जानते होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सुबह 3 से 4 बजे के बीच हमारा शरीर सबसे ज़्यादा कमज़ोर होता है। अधिकतर लोगों की मौत नींद में इसी समय होती है। रिसर्च के दौरान ऐसा पाया गया है कि जो औरतें ज़्यादा ऑनलाइन वीडियो गेम खेलती हैं वो अपने रिलेशनशिप में ज़्यादा खुश रहती हैं। क्या आपको पता है कि जागते समय हमारा दिमाग 10 से 24 वाट्स तक की एनर्जी छोड़ता है जो एक बिजली के बल्ब को आसानी से जला सकती है। जब इंसान रोना शुरू करता है तो वह और भी पुरानी बातें यादें करके रोने लगता है ताकि वो और ज़्यादा देर तक। द्वारा पाया गया है कि अगर किसी की दोस्ती को 7 साल से ज़्यादा हो गया है तो वह पूरी उम्र तक टिक जाती है। क्या आप जानते हैं कि हमारे पसीने में किसी भी तरह की बदबू नहीं होती है? यह बदबू तो एक बैक्टीरिया का कमाल है जो हमारे पसीने के साथ मिलकर दुर्गंध पैदा करता है। ज्यादा तेज लोगों का दिमाग ज्यादा तेज सोचता है, इसी कारण उनकी हैंडराइटिंग खराब हो जाती है क्योंकि वह लोग लिखते समय धैर्य ही नहीं रख पाते। एक रिसर्च में पता चला जब लोग वीडियो गेम खेलते हैं तो वो सबसे ज्यादा तेजी से फैसले लेते हैं। देर रात को चैट के जरिए की गई बातचीत में लोग भावनाओं में बहकर खुलकर बात करने लग जाते हैं। इंसानों के डर के कारण इस वजह से मौत हो जाती है क्योंकि डरने पर हमारी बॉडी में बहुत मात्रा में एड्रेनलिन रिलीज होता है जो ज्यादा होने पर जहर बन जाता है। यदि आप किसी सपने से जग गए हैं और वापस से वो सपना देखना चाहते हैं तो आप जल्दी से आंखें बंद करके बिल्कुल सीधा होकर सो जाइए। हालांकि ये ट्रिक हर बार काम तो नहीं करती है। वैसे तो ताश के पत्तों में 4 राजा होते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि इन ताश के पत्तों में 3 राजाओं की मूंछ होती है परंतु एक राजा की नहीं होती है, और वही राजा किंग ऑफ हार्ट्स होता है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा प्रिंट होने वाली बुक, फर्नीचर और घरेलू सामान बेचने वाले आइकिया स्टोर का कैटलॉग दुनिया में सबसे अधिक प्रिंट होने वाली बुक का रिकॉर्ड रखता है। एक रिसर्च में इस बात का दावा किया गया है कि दुनिया में करीब 2 करोड़ लोगों का एक ही पासवर्ड है और वह है 123456। दूसरे नंबर पर 123456789, पांचवे नंबर पर क्वेरटी पासवर्ड और 111111111 भी शामिल है। वैसे तो अल्फाबेट ए इंग्लिश का वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड अल्फाबेट है, लेकिन क्या आप बता सकते हैं जब हम नंबर्स को इंग्लिश में लिखना स्टार्ट करते हैं तो किस नंबर को इंग्लिश में लिखने पर पहली बार अल्फाबेट ए का प्रयोग करना पड़ता है? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।